बॉलीवुड की डांसिंग गर्ल कहलाने वाली बॉलीवुड सुपरस्टार माधुरी दीक्षित ने 25 वर्ष बाद स्क्रीन पर वापस आकर अपनी पहली ही वेब सीरीज द फेम गेम से एक मरतबा फिर धूम मचा दी। द फेम गेम नामी वेब सीरीज में माधुरी अपने माजी के हीरो संजय कपूर की बीवी बनी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वेब सीरीज की कहानी के मुताबिक माधुरी अपनी टक्कर के एक कामयाब हीरो से शादी करना चाहती थीं, लेकिन इनकी वालिदा ने इन्हें संजय कपूर के पल्ले बांध दिया, जिनसे इनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। द फेम गेम को 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया तो शायकीन की एक बड़ी तादाद ने माधुरी के इतने बरसों बाद वापसी पर शानदार अदाकारी की भरपूर तारीफ की। ताहम द फेम गेम की अजीबोगरीब कहानी पर एतराज़ भी किया जा रहा है। द फेम गेम के पहले सीजन की तमाम 8 किस्तें देखने वाले शायकीन वेब सीरीज के क्लाइमेक्स पर नाराज दिखाई देते हैं। शायकीन के मुताबिक वेब सीरीज के आखिरी लम्हात में अचानक वाजिया कर दिया जाता है कि माधुरी दीक्षित के अगवा और गुमशुदगी के पीछे किसका हाथ है, जिससे कहानी बेमजा हो जाती है। याद रहे कि इस फिल्म में माधुरी के बेटे को हम जिंस परस दिखाया गया है, जबकि इनकी बेटी अपनी वालिदा की तरह एक्ट्रेस बनने के चक्कर में अपनी माँ के ही खिलाफ हो जाती हैं। बताया गया है कि दी फेम गेम का पहला नाम फाइंडिंग अनामिका रखा गया था। अनामिका दरअसल फिल्म में माधुरी का नाम है, जिनके लापता होने के बाद तलाश के गिर्द ही सारी सीरीज की कहानी घूमती है। वेब सीरीज की कहानी पुरतयुश और बोल्ड जिंदगी गुजारने वाली सुपरस्टार अदाकारा अनामिका आनंद की जिंदगी के मुतालिक है, जिसका खाविंद इस पर अक्सर तशद्दुद करता है और इसी के पैसे पर पलता भी है। कहानी के मुताबिक अनामिका आनंद यानी माधुरी दीक्षित एक अवार्ड शो से वापसी के बाद अचानक लापता हो जाती है। अनामिका की तलाश के दौरान कई नए मोड़ सामने आते हैं। ताहम इस सीरीज के पहले सीजन की 8वीं और आखिरी किस्त देखने के बाद एक तिश्नगी रह जाती है, जिस पर शायकीन खुश नहीं। द फेम गेम के हिदायतकार करिश्मा कोहली और बजुए नंबियार हैं। याद रहे कि संजय कपूर और माधुरी दीक्षित ने आखिरी बार 1997 की मशहूर रोमानवी फिल्म मोहब्बत में एक साथ काम किया था। इससे कबल इनकी फिल्म राजा सुपरहिट हुई थी। अगरचे संजय कपूर पहले ही डिजिटल वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर चुके हैं, ताहम माधुरी दीक्षित दी फेम गेम के जरिए डिजिटल की दुनिया में पहली बार दाखिल हुई हैं। माधुरी दीक्षित की आखिरी फिल्म 2019 में कलंक रिलीज हुई थी। इससे कबल भी वो फिल्मों में दिखाई देती रहीं, ताहम वो किसी वेब सीरीज में पहली मर्तबा जलवा अफरोज हो रही हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।